नमस्कारम। वर्ल्ड कप में भास्करन अदिबन, जो कि बी अदिबन के नाम से बहुत फेमस हैं, उनका एक बहुत ही शानदार गेम हुआ था। और डेलगाडो रमीरेज, जिन्होंने फर्स्ट डे पे सबसे बेहतरीन गेम खेला था, उनके अगेंस्ट वाइट से एकदम अटैकिंग मोड में थे अदिबन। और ये गेम आपको जरूर चेक करना चाहिए अभी। और ऑलरेडी मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी जिसमें ये गेम जो है वो लोगों ने बोला था करने के लिए एनालाइज, तो हम आज उसको देखने वाले हैं और डिटेल में देखेंगे कि क्या हुआ था, राइट। सो हम डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं। d4 से स्टार्ट किया अदिबन ने, नाइट टू f6, c4, e6, नाइट c3 एंड देन बिशप b4। निम्जो इंडियन में बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, खासकर तीन बहुत मेजर लाइंस हैं, क्वीन c2 क्लासिकल, e6 रूबिनस्टन, या फिर आप a3 या f3 जो सैमिश में जाते हैं। तो उनमें से f3 खेला यहाँ पे वाइट ने। सैमिश के इस लाइन में बहुत सारा थियोरी है, बहुत बहुत कुछ इसमें आपको चेक करने मिलेगा, लेकिन जो ब्लैक ने किया वो d5 किया सिंपली e4 को स्टॉप करने के लिए, एकदम लॉजिकल मूव लग रही है। एंड देन a3 कर दिया, टेक्स टेक्स, यही उसका मेन थियरी है। और यहाँ पे जनरली c5 खेलते हैं, राइट। ये लाइन मैं खुद से भी ब्लैक से खेलता हूँ, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारा थियरी मैंने देखा है, जिसमें कि आप अगर c2d जाते हो तो knight2d एंड देन d c, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर लाइन है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें खेला हुआ है, जिसमें क्वीन a5 आप खेल सकते हो। एंड आई थिंक उसके अलावा एक और ऑप्शन था f5 भी आप जा सकते हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है मुझे लगता है सैमिश का। लेकिन हुआ ये गेम में कि b c3 के बाद c6 खेल दिया ब्लैक, और अदिबन डेफिनेटली यहाँ पे वेल प्रिपेयर्ड होंगे, उन्होंने क्विकली यहाँ पे e4 खेला, और थोड़ा सा हालांकि टाइम लिया था ओपनिंग वाइज, क्योंकि c6 जनरली ज़्यादा लोग नहीं खेलते, मेन लाइन जो है वो c5 है उसमें, तो e4 चले गए वो। जैसे ही उन्होंने e4 खेला, डी कट e4 मारा, पॉन इंटू e4। अब आप अगर नाइट इंटू मारते हो इसमें, तो डेफिनेटली हो ये रहा है कि लेट से नाइट इंटू मारते हैं, तो अब आ रहा है क्वीन चेक, राइट। इसमें तो उसको स्टॉप करने के लिए हमारे पास एक तो नाइट f3 है, या फिर हमारे पास और एक तरीका है कि हम क्वीन g4 जाएं। और अब आप देख सकते हो कि नाइट और पॉन पे अटैक है, जिसमें आपको वापस नाइट f6 जाना पड़ेगा एंड देन आई विल टेक ऑन g7। तो ये एक ठीक ठाक पोजीशन रहता है, राइट। तो उसको देखते हुए ब्लैक ने fe4 के बाद e5 खेला। ये एक इंटरेस्टिंग पॉन ब्रेक है, क्योंकि अगर आप मारते हो इसको तो प्रॉब्लम ये है कि आपके सब पॉन आइसोलेट हो जाएंगे, और दो तो डबल पॉन हो गए, राइट। तो ये पोजीशन खेलना इतनी अच्छी बात नहीं, पोजिशनली डेफिनेटली ब्लैक बेटर रहेगा इसमें, राइट। अगर हम क्विकली देखें तो वो क्वीन भी एक्सचेंज कर लेंगे, तो आपका किंग सेंटर में पड़ा हुआ है, आपके सब पॉन डबल है, यहाँ पे नाइट इंटू e4 आ रहा है, इवन नाइट g4 आके नाइट इंटू e5 आ रहा है, तो आई थिंक ब्लैक ऑलरेडी बेटर है इसमें, राइट। सो इसीलिए e5 को अदिबन ने यहाँ पे नाइट f3 खेला, और वो अभी भी e4 को छोड़ के बैठे हैं, मतलब इस बार क्वीन g4 नहीं आ रहा है, बट फिर भी ठीक है, उनका जो स्टाइल है उसको ये पोजीशन परफेक्ट सूट करती है कि अब एक एक दो पॉन डाउन है, लेकिन आपको एक्टिविटी मिल रही है, राइट। ब्लैक ने खेला क्वीन f5। अब जो आइडिया है वो इस पर अटैक करने की है, अगर आप बिशप b2 जैसे मूव खेलते हो तो ed आ जाएगा, उसमें प्रॉब्लम ये आप cd नहीं मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पिन है, राइट। सो यहाँ पे bd2 खेला, ऑब्वियसली हमको ये रोकना जरूरी है डायगनल। सो नाइट इंटू e4 मारा एंड देन bd3। अभी आप देखो ऑन मूव नंबर 11 ऑलरेडी वाइट एक पॉन डाउन है, राइट। लेकिन जब कैसल होंगी तो वाइट के पास f5 है, दोनों बिशप लगे हुए हैं इन डायगनल्स में, और डेफिनेटली ब्लैक जो है वो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पीछे। डेवलपमेंट एडवांटेज जो होता है वो टेम्पररी एडवांटेज होता है, राइट। आपको जब जब ब्लैक की डेवलपमेंट हो जाएगी तो डेफिनेटली आपका एडवांटेज चला जाएगा, तो आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ एक्टिव मूव्स ढूंढनी पड़ेंगे इसमें, राइट। सो आफ्टर bd3 नेचुरल मूव खेला उन्होंने, नाइट इंटू d2, क्वीन इंटू d2 एंड देन पॉन टेक्स पॉन। अब ऑब्वियसली आप cd तो नहीं मारोगे इसमें, क्योंकि अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाता है तो ब्लैक जो है वो ऑलरेडी एक पॉन अप है, और डेफिनेटली ये पोजीशन जो है अदिबन को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होंगी। हालांकि इस पोजीशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी भी वाइट के पास एक्टिविटी है, राइट। लेकिन अदिबन ने यहाँ पे सही डिसीजन लिया, कैसल किया उन्होंने, और डेफिनेटली कैसलिंग के बाद ये जो सेकेंड पॉन है वो भी उनका देने का मूड है, और रुक e1 आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, अब ले लेके कितने पॉन्स मारोगे, राइट, क्योंकि किंग आपका पड़ा है सेंटर में, तो मुश्किल हो जाएंगी, राइट। तो उन्होंने बराबर ह्यूमन डिसीजन लिया और कैसल कर दिया, यही नॉर्मली ह्यूमन प्लेयर्स करते हैं। अगर आप कंप्यूटर के साथ खेलोगे तो वो डेफिनेटली अलग अलग डिसीजंस ले सकता है, लेकिन ह्यूमन प्लेयर को लगता है कि यार वहाँ पे ना किंग तो हमारा सेंटर में पड़ा है, तो उसको पहले तो सेव कर लो, राइट। सो यहाँ पे कैसलिंग के बाद नाइट g5 खेला, एकदम करेक्ट टाइम पे नाइट g5 है, क्योंकि अब h7 पे मर रहा है पॉन। आप c3 मारोंगे तो पहले मैं बिशप इनटू h7 मार के चेक दूंगा,
और फिर आगे कंटिन्यू करूंगा, राइट। सो उसको रोकने के लिए यहाँ पे FI खेल दिया। हालांकि इसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था शायद G6 एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इस मूव के बाद भी प्रॉब्लम यह है कि व्हाइट के पास एक्टिविटी बहुत ज्यादा है और अब इन पॉन्स का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि गेम जो चालू है ना वो चालू है इधर, मतलब ये हमारा कुरुक्षेत्र है, ये हमारा बैटल ग्राउंड है, राइट। सो इस पोजीशन में मुझे लगता है व्हाइट के पास डेफिनेटली बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटीज है और मुझे लगता है ऑलमोस्ट विनिंग है ये, राइट। लेकिन हुआ ये FI के बाद कि अब ये डायगोनल तो उन्होंने बंद कर दिया, राइट। लेकिन जैसे ही आपने एक दरवाजा बंद किया, अधिबन ने देखा कि दूसरा दरवाजा कौन सा है, तो ये डायगोनल है, राइट, उसमें पड़ी है हमारी पॉन। तो उन्होंने सिंपली यहाँ पे C5 खेल दिया, क्योंकि अब आप देखो 1-2 ये दोनों पॉन मर रहे हैं, लेकिन अगर बिशप C4 चेक आ जाता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगी और इनकी जो निद्रा है, इनकी जो मतलब वो इतने एक्टिवेट नहीं हुए हैं अभी तक, उसका खामियाजा उनको किंग साइड अटैक के रूप में देना पड़ रहा है, राइट। सो C5 के बाद हुआ ये कि यहाँ पे किंग H8 खेल दिया उन्होंने। ये मुझे लगता है पोजीशन अभी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि इस पोजीशन में, इतनी डायनामिक पोजीशन में जब आपके ऊपर अटैक आ रहा है और आप इतने मजबूर हो कि आपको किंग के मूव्स करने पड़ रहे हैं इस वक्त, तो डेफिनेटली ये पोजीशन हाथ से जाने वाली है, राइट। तो किंग H8 के बाद हुआ ये कि क्वीन E2 खेला। ऑब्वियसली आप सीडी नहीं मार सकते थे, क्वीन जो है वो हैंगिंग था यहाँ पे, राइट। क्वीन E2 खेला और एक सुंदर मूव आ रही है यहाँ पे सिंपल H5 पे और यहाँ मेट होने वाली है, राइट। तो ब्लैक ने देखा क्यों ना मैं Nd7 खेलूं, क्योंकि Nd7 में हो ये रहा है कि अगर आप क्वीन H5 आते हो तो यहाँ पे सिंपली Nf6 आ रहा है और पोजीशन जो है वो अभी भी डिफेंड हो रही है, ऐसा उनको लगा। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत बड़ा भ्रम था, क्योंकि पोजीशन जो है वो ऑलरेडी हाथ से चली गई थी। सिर्फ इतना था कि अधिबन को एक सही कॉम्बिनेशन, एक सही फिनिश देखना था, जो उनकी मेन खासियत है, राइट। कॉम्बिनेशन वाला चेस के लिए वो जाने जाते हैं और यही उनका मेन स्टाइल है, राइट। सो Nd7 के बाद हुआ ये, यहाँ पे Nh7 मार दिया। अब आप देखो Nh7 के बाद एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम। अगर आप King H7 मारते हो सिंपली, तो हो ये रहा है कि यहाँ पे सिंपली Qh5 चेक आ रहा है, King G8 ओनली मूव, Bishop2 C4। ये मैंने बोला था जो उन्होंने दूसरा दरवाजा खोला था वो रॉकेट इतना ज्यादा डेंजरस है कि वो कभी इधर से अटैक कर रहा है, कभी इधर से अटैक कर रहा है, राइट। और ये पीसेस कहीं से आ ही नहीं रहे, मतलब चार पीसेस अगर आपके गेम में नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम तो आने वाली है, राइट। आई थिंक ये फोर्स्ड है, टेक्स हियर एंड Qg8 और Qh5 दोनों में मेट हो रही थी, तो इसीलिए अब वहां पे King H7 तो नहीं मार सकते। तो हुआ ये कि Nh7 को ब्लैक ने यहाँ पे Dc3 मार दिया, क्योंकि उनको लगा कि अगर यहाँ पे Qh5 जाते हैं, जो बहुत ही ऑब्वियस था, इसमें सोचने वाली भी बात नहीं थी, मतलब विदाउट कैलकुलेटिंग यू कैन प्ले दैट Qh5, राइट। क्योंकि Nf8 डेफिनेटली मारने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पीसेस और ज्यादा आते जा रहे हैं डिफेंस करने को, तो ब्लैक जो है वो एक्सटेंड डाउन होकर भी खेल सकता है। तो Qh5 एकदम राइट डिसीजन था। Qc5 मारा, King H1 एंड देन King G8। एक्चुअली पहले King G8 नहीं खेल सकते आप Qc5 के पहले, बिकॉज Bc4 चेक आ रहा था। तो ये एक इंटरमीडिएट मूव मिल गई उनको Dc3 के कारण, जिसमें चेक था किंग को, और जाते जाते बंदे ने एक चेक तो दे ही दिया वाइट को, राइट। Qc5 मारा, चेक दिया, King H1 गया और खुद का अभी जो किंग है वो G8 पे ले लिया यहाँ पे ब्लैक ने। और उनको लगा कि अगर हम यहाँ पे डिस्कवर्ड मतलब फिलहाल Nf8 मारते हैं तो Nf8 के बाद ये पोजीशन बच जाएंगे और एक्सटेंड डाउन रहेंगे, बट ब्लैक के पास 3-4 पॉन है इस साइड में, राइट। सो मे बी कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन हुआ ये अधिबन ने यहाँ पे सिंपल Bf5 मार दिया, क्योंकि अब जो Bc4 नहीं आ सकता था वो E6 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने खेला Qd5 चेक, उन्होंने इसको सपोर्ट दे दिया पहले तो, राइट। और उसके बाद क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉब्लम ये था, अगर आप Nf6 से एक्सचेंज करते हो तो सिंपली Rook F6 और फिर यहाँ पे आई थिंक एक सिंपल मूव तो ये भी है, Bh7 चेक आके ये भी आ रहा है, बट अगर हम देखें तो Qh7 चेक, King F8, Bg6 जैसे मूव्स भी आ रहे हैं जिसमें डेफिनेटली ये विनिंग है, राइट। लेकिन अगर सबसे ईजीएस्ट देखें तो जो Bh7 है और Qc5 हैंगिंग है, तो यही रीजन था कि उन्होंने यहाँ पे जो है पहले Qd5 खेला और इसको डिफेंस दे दिया एक, और E6 भी नहीं आ रहा है फिलहाल। लेकिन जैसे अभी Ng5 खेला, अब Qh7 मेट हो रही है, Nf6 खेला और ब्लैक को लगा ये पोजीशन में अभी भी जा सकता हूँ शायद, क्योंकि इसमें Bh7 के बाद हो ये रहा है कि King H8 अगर आप खेलते हो इसमें, तो मे बी आई थिंक
ओके, अगर आप बिशप वापस भी लेते हो कहीं पे e4 या इसमें, मे बी g8 भी हम जा सकते हैं, पॉसिबल है क्या? हाँ, बिशप c2 या b1 कहीं जा सकते हैं मेरे ख्याल से, राइट? क्योंकि आप इसको मार नहीं सकते हो एज देर इज चेकमेट, राइट? यहाँ पे तो ये एक प्रॉब्लम था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे Nf6 खेला ब्लैक ने, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली चेक करिए क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही प्यारा फिनिश था अधिबन के गेम का। और अगर आप सेकंड या फर्स्ट राउंड में ऐसे गेम खेलते हो तो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो भरपूर मात्रा में आ जाता है, और पोजीशन आपकी टूर्नामेंट जो है वो बहुत अच्छी जा सकती है। हालांकि आज एक थोड़ा मतलब विपत्ति वाला दिन है, क्योंकि आज विदित और अधिबन दोनों खेल रहे हैं थर्ड राउंड में, और एक अच्छी बात रहेगी कि इंडिया में से कोई ना कोई फोर्थ राउंड के लिए चला जाएगा, और एक दुखद बात ये रहेगी कि कोई ना कोई बाहर हो सकता है, राइट? लेकिन यहाँ पर जो हुआ वो डेफिनेटली बहुत लंबे टाइम तक याद रखा जाएगा अधिबन के गेम्स में, राइट? तो यहाँ पर उन्होंने खेला Qh7, और इधर ही उनको रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि और उन्होंने एक्चुअली रिजाइन भी कर दिया था ब्लैक ने, और इसके बाद का जो गेम था वो अधिबन आराम से उसके बाद क्वालिफाई कर गए थे उसके नेक्स्ट राउंड के लिए, राइट? सो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने Qh7 चेक दिया, अब देखो Nh2 अगर आप मारते हो, वैसे यहाँ पे ब्लैक ने रिजाइन कर दिया था, बट हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। Nh7 मारना फोर स्टेप, Bh7, King2h8 एंड देन Rf8, और अगर आप इसको मारते हो तो रुक जाए। तो एक शानदार श्योर मात किया उन्होंने गेम में, और बेहतरीन उन्होंने डिसीजन लिया। एक्चुअली e4 देने के बावजूद वो थोड़ा भी नहीं थके, और c5 का डिसीजन बहुत अच्छा था। राइट टाइम पे Ng5 और Qe2 आ गया, h7 एक इम्पोर्टेंट डिसीजन था, Nh7 जो था, राइट? और किंग बहुत ज्यादा खराब था, और ब्लैक ने ओवरऑल मुझे लगता है थोड़ा खराब चेस खेला। मतलब देखा जाए तो ओपनिंग प्रिपरेशन भी, क्योंकि जब आप c6 जाते हो तो डेफिनेटली आर एक्सपेक्टिंग कि e4 आ सकता है, और अधिबन से और क्या एक्सपेक्ट करूंगा, राइट? वो कोई पोजिशनल चेस तो नहीं जाने वाले हैं, राइट? सो ओवरऑल मुझे लगा कि अधिबन वेल प्रिपेयर्ड थे, या फिर उन्होंने अगर जो भी डिसीजन लिए बोर्ड पे वो एक्टिव थे, ह्यूमन चेस के लिए एकदम परफेक्ट थे, और बहुत ही बढ़िया चेस खेला उन्होंने, राइट? मिलते रहेंगे और गेम्स में, कोशिश करूंगा मैं कि हम और अच्छे अच्छे गेम्स देखें, और इसका जो अच्छा कंटेंट है उसको हम हमेशा कवर करें, राइट? बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।